एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेरियस कोर्सेज के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है फॉर CUT UG 2024 एग्जामिनेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, ये जो मैंने यहां पर कट ऑफ लिख रखी है, हर एक कोर्सेज की मैंने कट ऑफ लिख ली है, ऑनर्स में क्या रहेगी, प्रोग्राम में क्या रहेगी, टॉप कोर्सेज जो आपके टॉप कोर्सेज और टॉप कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के जो मेनली है उसमें क्या कट ऑफ रहेगी, और मिनिमम आप कितना सेफ स्कोर लेके चलो ताकि आपका DU में किसी भी कॉलेज में चाहे कम से कम आपका DU में क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। अब देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है, जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, ये मैंने कहां से इंफॉर्मेशन ली है या फिर मतलब इनका एक तरीके से बेस क्या है। तो सबसे पहले तो जो लास्ट 2-3 ईयर से जो CUT का जो एग्जाम हो रहा है उसमें DU की जो भी कट ऑफ आपकी जाती थी, जितने भी बच्चों के मार्क्स आते थे, वैसे मार्क्स तो आपके नहीं पता चलते, वहां पर परसेंटाइल आती है। बाकी मैं जैसे DU का स्टूडेंट हूं तो मैंने DU के बच्चों से जाके उनके मार्क्स पूछे हैं, साथ साथ हाइएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, लोएस्ट पे कितना कितने बच्चों का एडमिशन हो गया, वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद साथ साथ हर साल आपकी कितने स्टूडेंट्स आपका फॉर्म फिलअप करते हैं और कितने स्टूडेंट्स बच्चे फॉर्म मतलब एग्जाम को देते हैं, साथ साथ आपकी जो हर एक कोर्सेज है DU में उसकी कितनी सीट्स आती हैं, तो इन सब इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके मैंने पूरे जो मतलब कि इसको स्टडी करके सारी जो कट ऑफ है वो निकाली है। अब बाकी देखो, ये जो कट ऑफ मैं यहां पर बताऊंगा ये आपकी क्या एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर यही जाएगी, बट आप ये कह सकते हो कि आपकी इतनी ही कट ऑफ रहेगी, मतलब +5 या -5 आप लेके चल लेना। ये वीडियो आज आप देख रहे हो इसको सेव कर लेना, और जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी, जिस दिन आपका DU में जो कट ऑफ लगेगी, उस दिन आप देखना कि जो कट ऑफ लगी है उस दिन और जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसमें आपका बस मिनिमम आपका प्लस या प्लस माइनस 5 का ही फर्क आपका रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी कट ऑफ से स्टार्टिंग में, और हाँ, और बाकी जो आप वीडियो CUT से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके चैनल पर, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सारी हेल्पफुल वीडियो, टू दी पॉइंट वीडियो आपके लिए पहले से अपलोड है, वो आप वहां से सिंपली चेकआउट कर लेना। अब देखो, यहां पर आपके क्या है, DU में काफी कोर्सेज है, वेरियस कोर्सेज है, हम स्टार्ट करते हैं अपना BSc से। तो BSc में आपके बेसिकली दो आपके मेन कोर्स आ जाते हैं, एक तो आपका प्रोग्राम और एक आपका आ जाता है ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको बेसिकली एक सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप BSc फिजिक्स कर रहे हो तो आप वहां पर फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा, और BSc अगर आप कर रहे हो बेसिकली प्रोग्राम में आपके क्या आ जाएंगे, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बेसिकली वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। बाकी किस किस कोर्स से क्या आपको मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस कोर्स को कैसे करना है, उसकी वीडियो अलग चैनल पर अपलोडेड है, वहां से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ की। देखो, जो ऑनर्स की, ऑनर्स चाहे आपका BSc हो, BCom हो या फिर BA हो, उसकी जो ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई ही रहती है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो, यहां पर सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर आप BSc ऑनर करना चाहते हो तो आपका जो मतलब स्कोर काउंट होता है वो आपका 600 मार्क्स में से होता है, आपके डोमेन सब्जेक्ट और आपका क्या हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर अगर आप BSc ऑनर्स अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, नॉर्थ कैंपस के आप अपने टॉप से टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, जो बेस्ट 3 कॉलेज है, अगर उसमें जाना चाहते हो तो आपको 600 में से मिनिमम 550 प्लस स्कोर करना होगा। ये आप अपना टारगेट बना लो। अगर आप क्या जो टॉप कॉलेज है, जो ड्रीम कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मिरांडा या आपके कॉलेज हो गए, स्टीफन्स कॉलेज हो गए, अगर इसमें आप जाना चाहते हो तो आपको 600 में से मिनिमम 550 स्कोर करना होगा, मींस ये आपकी कट ऑफ रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि बस मेरा किसी तरीके से DU में एडमिशन हो जाए, कोई भी मेरे को कॉलेज मिल जाए, तो आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो इस साल 2024 के लिए 440 प्लस या फिर 450 प्लस आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो। मींस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ लगती है, थर्ड तक की कट ऑफ आपकी 450 तक इस बार जा सकती है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये अनरिजर्व मींस जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। अगर आप OBC से हैं तो आप अपना ऑलमोस्ट बस 2-3 नंबर का ही फर्क रखें, और अगर आप EWS से तो भी इतना ही 2-3 नंबर का फर्क रखें, और अगर आप SC और ST से तो आप अपना 10-15 नंबर या 20 नंबर, वैसे 20 तो ज्यादा हो गए, 15-20 नंबर तक का गैप रख सकते हैं, जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना। तो यहां पर अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हो किसी भी आप सब्जेक्ट से, तो आपको 600 में से 550 स्कोर करके चलना है। अगर आप अपना टॉप कॉलेज चाहते हो, अगर आप सिर्फ DU में आपका एडमिशन हो जाए किसी भी कॉलेज में, आपको सिर्फ DU में जाना है, तो आप अपना 440 मतलब 440 प्लस करके स्कोर करके चलना। ये आपका था BSc ऑनर्स के लिए। अब बात करते हैं BSc प्रोग्राम के लिए। BSc प्रोग्राम के लिए भी आपका क्या होती है, थोड़ी कट ऑफ लो रह जाती, मतलब हल्की होती है, क्योंकि BSc प्रोग्राम के लिए इतना ज्यादा हाई कंपटीशन नहीं होता। अब यहां पर आपको फिर भी कंपटीशन ठीक ठाक देखने को मिलेगा। जो BSc प्रोग्राम है उसके लिए आपको जो मतलब कि ड्रीम कॉलेज में अगर आपको जाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, तो 600 में से आप क्या करोगे 550 प्लस स्कोर करके चलोगे, मींस इतने आपके कट ऑफ ही जो फर्स्ट कट ऑफ जाती है वो इतनी जाती है। और कम से कम आपकी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपको ज्यादातर मतलब कि कम बच्चे जाते हैं, वहां पर कंपटीशन भी थोड़ा कम है, तो आपका जो लास्ट स्कोर जाएगा वो 350 मतलब 350 से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको DU में कोई मतलब
जो नॉर्मल कॉलेज हो गया वो मिल जाएगा। टॉप कॉलेज के लिए आपको 550 स्कोर करके ही चलना पड़ेगा, बाकी अगर आपको ये वैसा नॉर्मल कॉलेज भी आपको डीयू में मिल रहा है तो आपको 330 पर मिल जाएगा इन द केस ऑफ बीएससी प्रोग्राम, ये आपको मिल जाएगा। ये आपकी कट ऑफ आती है सीयूटी यूजी 2024, एक तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं यहाँ पर मतलब एक तरीके से अंदाजा ही लगा रहा हूँ, बाकी मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ये चीजें निकाली है। ऑलमोस्ट आपकी यही कट ऑफ रहेगी, बस प्लस माइनस 5 भी छोड़ो आप 3, प्लस 3 या माइनस 3, आपका माइनस तो जाएगा नहीं, बढ़ी सकती है, प्लस 3 आपकी रह सकती है, बाकी अब इतना टारगेट तो लेके चलो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो उसके टॉप कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के हो गए, साउथ कैंपस के भी कुछ टॉप कॉलेज हो गए, उसमें एडमिशन लेना कोई हल्की बात नहीं है, और अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो वो भी आपके लिए क्या होगी, बहुत प्राउड की बात होगी, आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी, साथ साथ जो रिलेटिव है उनकी तो आपको देख के ही आंखें खुल जाएंगी, एक ड्यू में लड़का पहुंच गया तो एक अलग ही बात है, बाकी जो ड्यू के प्लेसमेंट्स है वो भी आपके काफी हाई रहते हैं, और एक ड्यू में जाने के बाद आपको जो कल्चर मिलेगा वहां पर, जो आपका पूरा जो इकोसिस्टम है और जो आपकी मतलब कि इन्वायरमेंट बनेगा, जो आपके दोस्त बनेंगे, जो आपका हेड बनेगा, जो सोसाइटीज आपको मिलेगी, वो एक अलग ही लेवल का होता है, तो इतनी कट ऑफ तो वहां पर जाती ही है, मतलब उसके लिए इतनी कट ऑफ के लिए आपको ड्यू में जाने के लिए आपको मतलब क्या एक मतलब कि बोल दिन रात वाली मेहनत तो करनी ही होगी, ड्यू में आप मतलब सब कुछ ही आपको मिल जाएगा, तो इतनी मेहनत तो बनती ही है, बाकी कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है ड्यू के लिए, बिल्कुल मारामारी रहती है, तो बहुत ध्यान से अभी से, अगर अभी भी आप हल्का फुल्का पढ़ रहे हो दिन के भाई 6-7 8-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ना, 1-2 महीने की तो बात है, पढ़ लो, फिर जाने के बाद तो इतनी पढ़ाई नहीं रहती, ठीक है। ये आपका बीएससी का हो गया। अब बात करते हैं अपना बीकॉम की। देखो बीकॉम अगर आप क्या करना चाहते हो प्रोग्राम और ऑनर्स से, तो इसके भी कट ऑफ आपकी काफी हाई रहती है। अगर आप बीकॉम में जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो 800 में से होते हैं, अगर आप एसआरसीसी और स्टीवनसी जो टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आपको स्कोर रखना होगा मिनिमम 770 प्लस, 800 में से 770 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए तभी आपको क्या है टॉप कॉलेज मिलेगा। और अगर जो मतलब आपको नॉर्मल कॉलेज मिलना है बस ड्यू में जाना है तो मिनिमम जो कट ऑफ जाती है वो 530 प्लस या फिर 540, आप यहां मान के चलो 540 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है मिनिमम, इससे नीचे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन होना डीयू में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा या कुछ है तो बात एक अलग होगी, बाकी फिर भी अगर 530 प्लस तो आप अपना स्कोर करके ही चलना, इतनी तैयारी आप लेके चलना है, ये आपका बीकॉम का स्कोर आ जाता है। अब बात करते हैं बीए की। बीए में भी आपको क्या बहुत हाई कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, स्पेशली आपके जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, जो बीए इको हो गया उसकी तो कट ऑफ और मतलब उसके लिए तो एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा आपकी क्या होती है कॉम्पिटिशन रहता है। सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स के लिए। बीए ऑनर्स में जो आपका सीयूटी में स्कोर होना चाहिए 800 मार्क्स में से कैलकुलेट होता है, तो आपका 770 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बीए इको करना चाहते हो या पर टॉप कॉलेज स्टीफंस हो गया, आपका मिरांडा हाउस हो गया, आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ये आपके जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज है, तो आपको 770 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा तभी आपको ये आपके टॉप कॉलेज मिलेंगे। और अगर आप मतलब कि नॉर्मल कॉलेज जो लास्ट कट ऑफ जाती है वो इस बार मान के चलो 550 प्लस, मतलब 550 आपकी क्या जाएगी लास्ट कट ऑफ जाएगी, इससे कम में आपको डीयू में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी ये जनरल की कट ऑफ है, अनरिजर्व कट ऑफ है, जो अपना कैटेगरी वाइज है उसमें 5-10 नंबर ऊपर मतलब एक तरह से नीचे ही मान के चलना, ये आपकी सिंपल क्या आ गई बीए की कट ऑफ आ गई। अब बात करते हैं ऑनर्स की, मतलब कि ये ऑनर्स की बात थी, अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम की। प्रोग्राम की थोड़ी सी लास्ट कट ऑफ नीचे चली जाती है, जैसे 800 में से अगर आपको बीए प्रोग्राम करना है तो जो टॉप कॉलेज है उसमें तो आपको स्कोर करके चलना होगा मिनिमम 760 प्लस, 760 अगर आपका टारगेट है, 760 से आपके हाई मार्क्स आते हैं तभी आपको टॉप कॉलेज मिलेगा बीए का, वरना अगर आपके मतलब मिनिमम आप मार्क्स कितने लेके चल सकते हो अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो 560 प्लस तो आपको फिर भी मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपको डीए में डीयू में बीए प्रोग्राम करना है किसी भी कॉलेज से, वो आपका कोई भी कॉलेज हो सकता है, तो मिनिमम आपके 560 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो ये आपकी जो बीएससी बीकॉम और बीए जो तीनों कोर्सेज थे उनकी कट ऑफ इस तरीके से रहने वाली है फॉर सीयूटी यूजी 2024 एग्जामिनेशन। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके मैंने बिल्कुल ध्यान से आपकी निकाली है, तो आप अपना इतना तो टारगेट लेके ही चलो। लास्टली हम बात करते हैं बीटेक की, मतलब कि बीटेक की जो कट ऑफ रहेगी डीयू के लिए वो कितनी रहेगी। देखो बीटेक की जो सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वो बहुत ज्यादा कम है, तो उसके मतलब कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई रहता है, और यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से सबसे मेन बात है सीट्स बहुत ज्यादा कम है, तो यहां पर आपका 650 में से स्कोर कैलकुलेट होता है सीयूटी में, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है साथ साथ आपका इंग्लिश और आपका जो जनरल टेस्ट है, बेसिकली आपका इंग्लिश का स्कोर और आपका जो जनरल टेस्ट है वो, और साथ साथ आपके मैथ्स के मार्क्स यहां पर वो कैलकुलेट होते हैं, तो 650 में से आपकी कट ऑफ बनती है। और सीट्स इतनी ज्यादा कम है कि जो आपकी कट ऑफ रहती है वो आप मान के चलो 645 प्लस, मतलब मिनिमम आप 640 प्लस तो आप स्कोर करके चलना अगर आपको डीयू में बीटेक में एडमिशन लेना है तो, और मिनिमम आप ले सकते हो अपना
6-10 मतलब कि थर्ड कट ऑफ तक थी। वैसे तो फर्स्ट कट ऑफ में ऑलमोस्ट सारी सीट भर जाएंगे, बट फिर भी आप 610 मार्क्स से प्लस मान के ही चलो। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तभी आप ड्यू में एक बीटेक में एडमिशन ले पाओगे, वरना तो कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जनरल की कट ऑफ है, इससे 10-5 नंबर एस सी एस टी, 10 नंबर एस सी एस टी के कम ले लो। वैसे 10 भी नहीं जाते, 5 नंबर का ही गैप रहता है, क्योंकि सीट से बीटेक की सीट ही बहुत कम है और डीयू में मतलब कि मार्क्स इतना ज़्यादा रेंज चेंजेस नहीं होता। तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है उसको टारगेट करके चलो। अगर आप एस सी एस टी से हो तो आप अपना मतलब कि 5-10 नंबर ऊपर नीचे ले सकते हो। अगर आप ओ बी सी से हो तो आप तो जनरल की कट ऑफ मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं रहता। ईडब्ल्यूएस का भी कोई ज़्यादा गैप नहीं रहता, ठीक है पॉइंट। ये आपकी क्या हो जाती है, बीटेक की कट ऑफ हो जाती है आपका, मतलब जो वहां पर कोर्सेज अवेलेबल है उसमें आपके रहने के लिए। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है ड्यू की जो 2024 की कट ऑफ रहने वाली है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया, अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना पढ़ना है। देखो अब मैं सिंपल से आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अच्छा कोर्स करना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या अच्छी मेहनत भी करनी होगी। आपको बहुत चीजें अपनी छोड़नी पड़ेगी, जो मस्ती मजाक जो आप अभी खेल रहे हो, सो रहे हो, बिना बात के फोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पर कॉन्ट्रोवर्सी सुन रहे हो, एक ही वीडियो की बार बार वीडियो देखे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करे जा रहे हो, तो ये सब चीजें आपको मिनिमम 2 महीने के लिए, 2 महीने तो छोड़ो, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो ये चीजें तो आपको क्या बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, थोड़ी बहुत चीजें आपकी चल जाएंगी, अपनी सोसाइटी से भी कनेक्ट रहो, ऐसे नहीं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कितना पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, तो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको एक बार ड्यू मिल जाता है, ड्यू का अगर आपको एक टॉप कॉलेज मिल जाता है, तो आपके पास लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगी, बहुत बड़ा आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा। आप सोसाइटी ज्वाइन कर लोगे, आपके बहुत हाई हाई लोगों से भी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर ड्यू में आपके इलेक्शन होते हैं, तो आप इलेक्शन पॉलिटिक्स भी आप सीख जाओगे किस तरीके से वर्क करती है। आपको सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो टीचर का जो स्टाफ है ना, वो टीचर्स की बात है, वो इंटरनेशनल लेवल तक बात है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ के जाते हो और आप मान लो फॉर एग्जांपल आप हिंदू के स्टूडेंट हो, हिंदू में से आपने बीएससी की हुई है, अगर आप आगे जर्मनी, यूएसए या किसी भी अदर कंट्री में जाके आप पीएचडी आप क्या करते हो, एनरोल करते हो, और वहां पर आप सिर्फ बताते हो ना कि मैं ड्यू से पढ़ा हूं और इस कॉलेज से पढ़ा हूं, ये मेरे टीचर थे, तो आपकी एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है वहां पर, और एक अलग ही आपको मतलब रेफरेंस मिलता है कि ये ड्यू का स्टूडेंट है, इस कॉलेज टॉप कॉलेज का स्टूडेंट है। तो समझ लो इतनी पावर है ड्यू का, सिर्फ नाम ही काफी। और जो टॉप कॉलेज है उनमें तो उनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपके लिए काफी जो रास्ते हैं, काफी जो डोर्स हैं, विंडोज है, वो अपने आप ही ओपन हो जाएंगी। बाकी टीचर्स से अच्छी बात बना के रखोगे तो टीचर्स ही आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल की चीजें आपको करा देंगे। तो ये सब आपको आ जाता है कट ऑफ से रिलेटेड। अगर उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक हेल्पफुल और मजेदार वीडियो के साथ। बाकी चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करके जाना। ओके ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीयूटी। और फिर आप अगर ड्यू में आओगे तो इस वीडियो में कमेंट कर देना अपना नाम, अपना जहां से भी आए हो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको ड्यू में मिलूंगा, वहीं पर आप एक मीट एंड ग्रीट करते हैं। बाकी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन हम कुछ मीटअप या कुछ ऐसा मतलब प्लान करेंगे कि हम एक बार मिल लेंगे भी, ठीक है। ठीक है चलो जी, बाय।